दोस्तों, आज एक अपडेट सामने आई है, वो है जुड़ी अक्षय कुमार से, उनके आने वाली फिल्म स्काईफॉल से। मुझे आज सुबह एक दोस्त ने कमेंट किया इंस्टाग्राम पे, पूछा है सूर्या भाई कोई अपडेट है स्काईफॉल के बारे में। तो दोस्तों, आपने सुबह पूछा और शाम तक अपडेट आ भी गया है। अक्षय कुमार की ये 2025 की पहली फिल्म होने वाली है। 24 जनवरी 2025 को फिल्म रिलीज़ होने वाली, जिस दिन शुक्रवार है, और 26 तारीख को आपको पता है हमारा देश का रिपब्लिक डे है। और इसके पहले एक फिल्म आई थी सरफिरा, वो भी एयरफोर्स से जुड़ी ही फिल्म थी। तो मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी कंफ्यूजन है क्यों एक ही तरह की फिल्म वापस अक्षय कुमार कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, एक ही तरह की फिल्म नहीं, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सरफिरा एक जीवनी पर आधारित थी कि कैसे एक आम इंसान एक एयरलाइन स्टार्ट करता, आम इंसान तो नहीं, एक एयरफोर्स वाला बंदा कैसे खुद का एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करने की सोचता है, ठानता, और कैसे वो करता है वो अचीव। तो उसकी कहानी थी। और ये जो फिल्म है स्काईफॉल, 1965 में इंडिया का पहला एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पर, और वो बहुत ही डेडलीस्ट एयर स्ट्राइक था। उसके पीछे की कहानी है। और एयर स्ट्राइक को लेकर अभी पिछले साल एक फिल्म बनी थी जनवरी में, और ऋतिक रोशन के साथ, उसका बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं हुआ उससे ऋतिक रोशन, दो इट वॉज नॉट ए बैड फिल्म, अच्छी नीयत से अच्छी फिल्म बनाई गई थी, अच्छी कोशिश थी, बट फिल्म कुडेंट गेट द काइंड ऑफ सक्सेस इट हैड इट डिजर्व्ड। लाइक, तो उम्मीद करते हैं स्काईफॉल के साथ ऐसा ना हो। और संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर दोनों डायरेक्टर इस फिल्म के, नॉर्मली एक होते हैं, यहाँ पे दो दो है, और जो बैकअप है स्टूडियोज़ के वो अच्छे खासे हैं, जियो स्टूडियोज़ है, देश विजन है, तो अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि ये फिल्म की कहानी होगी, कथन अच्छा होगा। और मुझे और आप सभी और जो अक्षय कुमार फैंस हैं उन्हें बेसब्री से इंतज़ार होगा कि स्काईफॉल एक ऐसी फिल्म भर कर सामने आए जो अक्षय कुमार की काफ़ी वक्त के बाद एक संजीदगी से भरी फिल्म हो, और ऐसी फिल्म हो जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें और इंस्पायर हो। तो दोस्तों, ये फिल्म रिपब्लिक डे 2025 पे आने वाली है। बशर्ते यहाँ पे अपडेट जो मेन है वो ये है कि इसका जो ट्रेलर है वो क्रिसमस 2024 को रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि ठीक एक माह पहले, एक महीने पहले फिल्म रिलीज़ के, एक महीने पहले ट्रेलर इसका आप सभी दर्शकों के बीच में सामने आ जाएगा क्रिसमस पर। तो ये है असली अपडेट। तो ये अपडेट, एक तो ये रिलीज़ का कंफर्मेशन हो गया, दूसरा ट्रेलर कब आएगा ये भी क्लियर हो गया, तीसरी बात अक्षय कुमार की इस साल कोई भी फिल्म और नहीं आने वाली है आफ्टर सिंघम अगेन, एंड दैट इज़ वॉट हैज़ बीन लाइक कन्फर्म्ड ऑलमोस्ट। आपकी क्या राय लगती है जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय।